अस्सलाम वालेकुम यस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे अल्लाह ताला के इस्मे मुबारक जो कि दुआए बरहतिया में शामिल है, या शमखाहिर, एक ऐसा इस्म आज़म जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं। तमाम कुतुब जदीद और कुतुब कदीम में इसका तज़किरा है। मशहूर और मारूफ़ आमलीन इसको जानते हैं। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर कोई बंदा इसको विर्द में रखता है तो उसको बहुत सारी खसूसियात हासिल हो जाती हैं। इन खसूसियात में कोई भी तकलीफदह चीज़ आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, सांप, बिशु। और जो चीज़ सांप और बिशु की तकलीफ़ से महफूज रखे तो उसका एक दूसरा तसर्रुफ़ भी होता है। मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी तफसील बता दूं, वो चीज़ मुनाफ़िकों के डंग से भी बचाती है। यानी मुनाफ़िक और शरीर लोग जो आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं उसके शर से भी आप लोग अमान में रहते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसा इस्म आज़म है जिसके पढ़ने वाले को हादसात का कबल अज वक्त मालूम हो जाता है। यानी ख्वाब में आप लोगों को पहले ही बता दिया जाता है, या आपको होश हवास में पहले ही किसी के मार्फत खबर पहुंच जाती है कि ये चीज़ होने वाली है। ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके खड़े रहें कि भाई हमें सिर्फ ख्वाब में नज़र रहेगा, नहीं, बल्कि आपका अजीज़, आपका भाई, आपका दोस्त, कोई भी जानने वाला आपको पहले ही बता देगा कि ऐसा मसला हो सकता है या होने वाला है। तो ये भी एक कशफ का किस्म है। लोग सिर्फ आंखें बंद करके कशफ के पीछे पड़े रहते हैं, तो वो भी है और ये तरीका भी है कि जब आप कोई खबर लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप या अलीम पढ़ रहे हैं कि मुझे इल्म अता हो, फला चीज़ के बारे में मालूम हो, तो आपको ख्वाब में भी बताया जा सकता है या कोई आपका जानने वाला शनासा कोई भी आदमी आके आपको उस चीज़ के बारे में बता देगा जिसके बारे में आप मालूम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आप उसे पूछेंगे नहीं, वो खुद ही बता देगा। इसी तरह इसमें भी, इस इसमे आदम के पढ़ने से भी या शमखाहिर के पढ़ने से भी जो है आपको हालात का पहले ही इत्तला दिया जाता है। और इसके अलावा शयातीन, हासदीन, फासिकीन, मुनाफिकीन के शर से आप लोग हिफाजत में रहते हैं। ये इसमे आजम भी आतिशी इसम आज़म है, और ये इसम आज़म शम्स से ताल्लुक़ रखता है। और इसको पढ़ने के लिए जो है अजबिया हमज़ाइल बेहक्शीन या शमखाहिर, और अगर आप पीछे से कोई भी दरूद शरीफ़ लगा लें तो भी सही है, या बेहरमत या शफी अल मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें तो भी सही है, जिस तरह आप लोगों को मुनासिब हो। दरूद शरीफ आप इसको जो है 100 मरतबा के बाद एक मरतबा भी टच कर लें तो भी सही है। यानी इबारत को आप 100 मरतबा मुकम्मल किया और साथ में दरूद शरीफ के साथ वाली इबारत बना ली तो भी सही है। और इसके एदार जो हैं 1558 मरतबा हैं, एक दिन की पढ़ाई 1558 मरतबा है शमसी एदाद के मुताबिक।
इस अमल को अगर आप पढ़ते हैं तो दरूद शरीफ, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी चार कुल, फिर दरूद शरीफ, इसको लाजमी पढ़ें, हिसार करें। आतिशी अमल होने की वजह से अगर आप दीप रोशन करते हैं, चिराग रोशन करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बैठे रहें वहाँ पे उसकी रोशनी में और पढ़ते रहें। अगर नक्श बनाना आता है तो नक्श बना के दीप में जलाएं। अगर नहीं बनाना आता तो नक्श डालने की ज़रूरत नहीं है। नक्श बग़ैर हरूफ के होगा, कुछ भी उसमें हरफ नहीं जलाया जाता, सिर्फ एदाद होते हैं। अगर एदाद नहीं लिखने आते हैं तो नहीं लिखें, कोई मसला नहीं, पढ़ाई से ही जो है इसका अमल हो जाता है। और अगर आप इसको 41 दिन करते हैं तो फिर सोना पे सुहागा, यानि एक बेस्ट अमल हो जाता है। आप हासदीन, मुनाफिकीन, शयातीन, शरीरों से महफूज हो जाते हैं और आप तमाम तकालीफ जो देने वाली चीज़ें हैं उनसे महफूज हो जाते हैं। क्योंकि ये एक साल में बुर्ज हमल में शरफ होता है, तो आपको समझो कि एक साल के लिए हिफाजत हो जाती है शमसी, अगर आप कोई अमल करते हैं तो, और बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि आप इसको जितना आप कर सकते हैं उसके मुताबिक कम से कम 7 मरतबा यानी 7 दिन तक अगर आप करते हैं तो भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से इस्तफादा करेंगे। खुदा हाफिज़।